ताज़ातरीन और निष्पक्ष खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल विराट 24 न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, आपका स्वागत है विराट 24 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ अजिता। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम 3 दिवसीय प्रवास पर शनिवार को भोपाल से चलकर 10 बजे रीवा पहुंचे, जहां श्री गौतम का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। मुख्य कार्यक्रम एनसीसी ग्राउंड में आयोजित किया गया, जहां त्रिस्तरीय पंचायती राज के पदाधिकारियों ने भव्य स्वागत किया। श्री गौतम के स्वागत की तैयारी के लिए पंचायती राज के पदाधिकारियों के द्वारा प्रयागराज से विशेष गजरथ बुलाकर उनकी अगवानी करते हुए स्वागत किया गया। कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए भारी जनसैलाब एकत्र किया गया, जहां रीवा जनपद पंचायत के अध्यक्ष सिद्धार्थ शुक्ला ने अपने समर्थकों के साथ स्वागत किया। इसके बाद जयस्तंभ चौक, प्रकाश चौराहा, शिल्पी प्लाजा, कॉलेज चौराहा होते हुए एनसीसी परेड मैदान पहुंचे, जहां भव्य स्वागत के दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष अभय मिश्रा ने न्याय की देवी की प्रतिमा सुपुर्द कर गिरीश गौतम का स्वागत किया। गिरीश गौतम ने अपने उद्बोधन में कहा कि अभय मिश्रा जी ने जो न्याय की तराजू देकर निष्पक्ष न्याय की आशा व्यक्त की है, तो मैं आँख से पट्टी खोलकर न्याय करूँगा। हमसे जो उम्मीद की गई है उस पर मैं खरा उतरूंगा। मैं अपनी कुर्सी में बैठकर बराबर न्याय करूंगा। आपको बता दें कि अभय मिश्रा भारतीय जनता पार्टी से विधायक रहे हैं और वर्तमान समय में कांग्रेस पार्टी में हैं। स्वागत के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री गौतम ने कहा कि जिन्होंने भी मेरे संघर्ष काल में मेरा साथ दिया है, मैं उन्हें भूला नहीं हूं। मैं निष्पक्ष और क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करूंगा। श्री गौतम ने यह सारी बातें एनसीसी मैदान में कार्यक्रम समापन के बाद मनगवा प्रस्थान करने से पहले कही। विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद गिरीश गौतम अपने 3 दिवसीय प्रवास पर गृह जिला पहुंचे हैं, जहां हवाई पट्टी से लेकर जगह जगह स्वागत किया गया। स्वागत करने में रीवा सांसद के साथ जिले के 7 विधायक, पार्टी के लोग और सीधी जिले के चुरहट से विधायक सरतेंदु तिवारी अपने समर्थकों के साथ मौजूद रहे। एनसीसी ग्राउंड में नागरिक अभिनंदन के बाद श्री गौतम अपने निज निवास उड़रहट पहुंचे, जहां से मनगवा होते हुए नईगढ़ी के लिए प्रस्थान किया। रात्रि विश्राम नईगढ़ी में करेंगे। श्री गौतम के स्वागत के लिए जनसैलाब उमड़ा, तो कई नेताओं ने जहां खुशी जाहिर की तो कई नेताओं ने जहर के घूंट पीकर रह गए। आइए दिखाते हैं एनसीसी ग्राउंड में हुए भव्य स्वागत के बाद मंचासीन नेताओं ने क्या कहा और उनके क्या आवभाव रहे। राजनीति से ऊपर उठ के ये निर्णय लिया कि हम लोग इस सम्मान की घड़ी में गिरीश गौतम जी का हृदय से आदमी अभिनंदन करना चाहते हैं और आपके सामने ये अच्छाएं। माननीय राजेंद्र शुक्ला जी हमारे बीच है, उनको इस बात पर हम सभी आनंदित हैं और बहुत सुखद क्षण है। और बस मैं इसलिए कहना चाहता हूँ आप सबको पढ़ाने के लिए धन्यवाद। और मैं फिर से ईश्वर से कामना करता हूँ कि गिरीश गौतम जी हमारे रीवा जिला को एक नई दिशा देंगे और मध्य प्रदेश में पहले विधानसभा में एक नया कीर्तिमान। वैसे भी उनकी छवि जो है तो एक न्यायिक व्यक्ति की है, हमेशा उन्होंने संघर्ष किया है। गांव, गरीब, किसान, मजदूर, सर्वहारा वर्ग के वो नेता रहे हैं। और निश्चित आम आदमियों में जो धारणा, मैं कहीं भी जाता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कोई किसी भी दल का, गांव का रहने वाला कोई भी आदमी हो, वो अंदर से आनंदित है। हमने कहा कि तुम्हें क्या है, बोलते नहीं बड़ा न्याय हुआ, लोग बड़ा अंदर से अच्छा महसूस कर रहे हैं, सबको बड़ी खुशी मिली है और सबकी खुशी में हम सबकी खुशी है। मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूँ। आप सबको धन्यवाद। बड़ा गरीबों के लिए हमेशा आशा की किरण और हमारे गृह गांव के निवासी गिरीश गौतम जी अध्यक्ष विधानसभा मध्य प्रदेश, आज के इस कार्यक्रम के भव्य कार्यक्रम के आयोजक और जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय अभय मिश्र जी, रीवा विधानसभा क्षेत्र के सम्माननीय विधायक और पूर्व मंत्री आदरणीय राजेंद्र शुक्ल जी, गिरीश गौतम के यहाँ तक पहुँचने की कहानी बड़ी कठिन रही है, यह सरल नहीं रहा। इनके जीवन के बाल्यकाल के से लेकर अभी तक के संघर्षों की कहानी
करीब से देखने का मौका मिला, क्योंकि जैसा मैंने उल्लेख किया कि हम एक ही गांव एक ही पंचायत के निवासी हैं। कभी की दोबारा सरकार बनी एक पीड़ा थी मन में कि रीवा जिले ने 8 में 8 सीटें दे दी, विंध्य क्षेत्र में 30 में 24 सीटें दी, लेकिन दूसरी बार जब चौथी बार जब शिवराज सिंह चौहान जी बने तो हमारे विंध्य के साथ न्याय नहीं हुआ। ये पीड़ा सिर्फ राजनीतिक लोगों में नहीं थी, जनता जनार्दन में भी थी, लेकिन जब से आदरणीय गिरीश गौतम जी को विधानसभा के अध्यक्ष के लिए चुना गया तब मुझे विंध्य में इस बात का संतोष हो गया कि मंत्री भले कोई नहीं बना लेकिन विधानसभा का अध्यक्ष जिसके अंदर सारे मंत्री रहते हैं, जिनके इशारे पर विधानसभा में सारे मंत्री काम करने के लिए मजबूर होते हैं, आदरणीय गिरीश गौतम जी को देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है और हमारे मुख्यमंत्री हमारे संगठन ने किया। इसलिए हम सबको इस बात की बड़ी प्रसन्नता है, लगातार 4 वर्ष से विधायक गिरीश गौतम जी ने उनका वास्तव में उनका इस पद के लिए सबसे मजबूत क्लेम बनता, लेकिन हमारा संगठन बहुत सोच समझ के निर्णय करता है और हर पहलू पर विचार करके निर्णय करता है और जब समय आता है तब निर्णय करता है, और जब समय आ गया तो निर्णय हो गया। हम लोगों का एक सपना है गिरिवा जिले को मध्य प्रदेश नहीं हिंदुस्तान का नंबर एक का जिला बनाए। आज पांच सागर की नहरों का जाल जो बिछा है उसमें गिरीश गौतम जी ने विधायक रहते हुए विधानसभा में जिस मजबूती से इस मामले को उठाया करते थे हम सारे विधायक लोग, मुझे भी आपके आशीर्वाद से मंत्रिमंडल में काम करने का मौका मिला तो मैंने भी हमेशा यही सोचा कि अब ना चूको चौहान, ये जो मौका मिला है इसमें रीवा को के माथे से उस कलंक को मिटाना है जो रीवा के माथे में पिछड़े पन का कलंक लगा था, और इसलिए हम सारे लोगों ने मिलकर वो काम किए जो वर्षों पहले हो जाने चाहिए। आदरणीय नागेंद्र सिंह जी बैठे, आदरणीय जनार्दन मिश्रा जी बैठे, पंचूलाल जी हैं, और आज लोग कहने लगे हैं कि रीवा पिछड़ा जिला नहीं है, रीवा तो विकसित जिलों की श्रेणी में नंबर एक के स्थान पर पहुंचने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है, पूरा जद्दोजहद कर रहा है, लेकिन इस काम में कभी कभी पूरी तरह से समर्थन मिलने में कमजोरी हो जाती है। लेकिन जब से गिरीश गौतम जी अध्यक्ष बने परसों दिव्यराज सिंह जी हमारे पास आए विधानसभा के लिए ध्यानाकर्षण लगाना है, हमने कहा अध्यक्ष जी से बात हो गई, कहीं अब तो अध्यक्ष जी कोई मामले नहीं, अब तो अपने घर के मामले नहीं, ध्यानाकर्षण लगाने में पसीना आ जाता था हम लोग। विधानसभा का प्रश्न यदि चर्चा में नहीं आया तो धारा 52 में कन्वर्ट कराना अब हम लोगों के लिए तो घर की बात हो गई, ध्यानाकर्षण लगाना अब हम लोगों के घर की बात हो गई, और इसलिए दिवराज जी आए कि ये ध्यानाकर्षण है इसमें आप भी दस्तखत कर दीजिए, हमें काफी को दस्तखत करते हैं, और जब बहस होगी तो हालांकि रीवा में अब गिली गुली सड़कें ही खराब बची है लेकिन जो बची है उसको भी पूरा करें, और हम लोगों को इस बात की खुशी है कि अब रीवा के विकास को गति देने में हम लोगों को और बल मिलेगा। आज जब से चुनाटा हवाई पट्टे में आदरणीय गौतम जी उतरे हवाई पट्टी में तब से लोगों का प्यार स्नेह जिस तरीके से मिला है ये निश्चित रूप से हम सब के लिए आने वाले समय में बहुत रीवा के विकास को आगे ले जाने में बहुत मदद मिलेगी, सरकारी योजनाओं की कमी थोड़ी है। बोल रहे हैं कि किसानों की जमीन चली जाएगी, हम इतने पूछे चाहिए थे 20 साल पहले, एक अफवाह उड़ी रही है कि अधिया मत है तो जमीन चली जाएगी अधिया वाले के नाव के भाई, जमीन अधिया वाले के कहे पट्टा भा दिया वाले के बोला नहीं भाई, वो अफवाह पे हम वकील रहे, निकाह वकील माने जाते हैं, गिरीश जी वगैरह सब कहा रहे कि नहीं तो वहां वकालत ठीक चल रही है, नरेंद्र जी अब कहा कि नहीं तू ठीक है मान रहे हैं। जिला पंचायत के हमारे अध्यक्ष, हमारे जिला पंचायत के तमाम सदस्यगण, हमारे सारे मंडल जनपदों के अध्यक्षगण साथियों, बड़ी जिम्मेदारी। मैंने विधानसभा में जब मुझे चुना गया तो मैंने एक बात कही, वहां मैंने कहा कि जिस पद पर मुझे बैठाया गया मुझे निष्पक्ष होना पड़ेगा, एक पक्ष राजेंद्र जी का है,
श्यामलाल जी का है, पंचूलाल जी का है, नागेंद्र सिंह जी का है, और एक पक्ष दूसरा पक्ष है जिसके अभय मिश्रा है। और मुझे ये कहा गया कि आप निष्पक्षता से काम करो, मैंने वहां भी कहा, मैंने कहा था कि निष्पक्ष हूं, इस कुर्सी में बैठने के बाद निष्पक्ष होगी, क्योंकि अभी मुझे जो पेश किया अभय जी ने एक न्याय करने का तराजू पेश किया है, और शायद मैं उम्मीद लगाई होगी कि इससे न्याय में करूंगा, और उस तराजू वाली महिला की आपकी पट्टी बढ़ी है, पर न्याय में आप खोल करके करूंगा, मैं आपको यह कहना। अभी वो पट्टी का न्याय किसका ही हो सकता। मैं जब कुर्सी में बैठूंगा वह फैसले करूंगा निष्पक्षता के साथ, और मैं रीवा की जनता का पक्षपाती रहूंगा, मुझे चाहे कोई निष्पक्ष। देखते रहिए तमाम ताजातरीन बड़ी खबरों के लिए विराट 24 न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।